नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। गोराबाजा थाना अंतर्गत बिलहरी में एक युवक अपने घर के नीचे खून से लथपथ हालत में मिला, जिसे तत्काल परिजन इलाज के लिए अस्पताल ले गए, लेकिन युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मर कायम कर मामले की जांच में लिया है। वहीं परिजनों ने पुलिस से हत्या की आशंका जाहिर की है। बताया जा रहा है कि बिलहरी निवासी युवक राजस्वामी, जो एक एफमोर कंपनी में काम करता था, वह गंभीर अवस्था में खून से लथपथ हालत में अपने ही दो मंजिला घर के नीचे घायल अवस्था में परिजनों को मिला, जिसके बदन में सिर्फ अंडरवियर थी। वहीं इलाज के दौरान राजा की मौत हो गई। वहीं क्षेत्रीय लोगों का यह भी कहना है कि राजा स्वामी अपनी छत से नीचे गिर गया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। बहरहाल पुलिस के द्वारा पंचनामा कार्यवाही करते हुए मर कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए दोनों एंगलों से जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जबलपुर। उसके साथ किसी ने इसको मार के कुलिया में फेंक दिया गया, जो बोलते बॉडी पार्ट में काफी चोटों के निशान भी लगे, जिसके कि हमने थाने में रिपोर्ट भी रखा गोराबाजार थाने में, लेकिन रात में कोई कार्रवाई ना करते हुए अभी इन लोगों ने कार्रवाई की है जब बच्चा हमारा हाथ से निकल गया। कितने बजे की घटना? ये 7-8 और 8:30 के बीच के दरमियान की रात के काम है ये, रात में। क्या नाम है? अनिल नाहर। परिवार वाले बोल रहे हैं। ये सूचनाकर्ता जो है रात में थाना में अस्पताल जबलपुर अस्पताल से तहरीर प्राप्त हुई थी कि राजा स्वामी, पिता तेजराम स्वामी है, उम्र इनकी 23 साल है और ये बड़े कुएं के पास पोस्ट ऑफिस के पास बिलहरी में रहते हैं और रात में मोबाइल से छत पर बात कर रहे थे और बात करते करते छत पर से गिर गए, ऐसा इनकी माँ ने बताया। लेकिन सूचनाकर्ता जो तेजराम स्वामी हैं, इनकी सूचना पर प्रथम दृष्टया जो है अभी जाँचकर्ता ASI श्री शुक्ला जबलपुर अस्पताल गए हैं और उन्होंने उनकी सूचना पर जीरो पर मर कायम की है। अभी तक यही बात ज्ञात हुई है कि वो मोबाइल से बात कर रहा था, मोबाइल से बात करते करते छत से गिर गया। उसको जो चोटें आई हैं वो भी संभवतः उसी तरह की हैं और अभी और अन्य प्रकार का कोई संदेह किसी ने व्यक्त नहीं किया है। आगे जांच में जो भी स्पष्ट होगा उसके आधार पर आगे। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।